नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट बीपीएस परिहार में स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, हम अपनी प्रक्रिया को बढ़ाते हुए यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को डेली सॉल्व पेपर कराए जा रहे हैं। 2017 का आज करवाया जाएगा। आप लोग मन तन धन से जुट जाओ। देखो इतना प्रोटेस्ट हो रहा है भारत देश में, आपके इंडिया में अब दरोगा की नौकरी आएगी, सारी नौकरियों का विज्ञापन आएगा, तो इसलिए जल्दी से आप जुड़ जाओ और फटाफट सारे लोग पढ़ाई शुरू कर दो, देरी ना करो। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। कहता है 58,58,237 का स्क्वायर माइनस 41,763 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये बताइए, इसको तो आपको देखते ही पता चल गया होगा एक चीज, आपको देखते ही ये पता चल रहा है, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी, और ए माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू क्या रखा है आपने, ए प्लस बी की वैल्यू रख दी, ए ये ए है और ये दूसरा क्या होगा भैया, बी होगा। तो 58,237 का 37 प्लस बी का मान 41,763, ये ए हो गया और ए माइनस बी, तो इसी का ए माइनस बी कर दो, 58,237 माइनस 41,763 ये है। ये आपने दोनों जोड़ा तो आ गया 100, और दूसरा क्या आया, एक 100 आया, दूसरा क्या आया 41 में से 58 है और 58 में से 41 घटाओगे, 58 में से अगर 41 घटाते हो तो कितना आएगा, 17 आएगा ना, 17 कर, हाँ जी जी। देखिए आपके पास लिखा है 58, घटाना नहीं आता, मतलब कोई समस्या होती तो ऐसे 58,237 में से 41 पॉइंट आपको कितना घटाना है, 763। ये बताइए 7 में से 3 जाएगा कितना होगा, 4 बचेगा, यहां बचेगा 3, 3 में से जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे 13, 13 में से गया 6 कितना, 7, 6 13, यहां बचा 11, फिर क्योंकि 11 में से, क्योंकि यहां 12 है तो यहां एक उधार लिया था 11 बचा था, 11 में से 7 जाएगा कितना आएगा, 11 में से 7 जाएगा 4 आएगा, पॉइंट लगा। देखो यहाँ 8 था, 8 से एक उधार ले गए तो बचा था 7, 7 में से एक जाएगा 6 बचेगा, और 5, 5 है, 5 में से 4 जाएगा 1, 16,474 16,474 ये आपके पास आया है, 100 गुणे में 16,474। अब इसी का गुणा इसमें करके उत्तर निकालिए जल्दी से, हो गया सवाल 16,474। ठीक है, देखिए करते कैसे, दो अंक पे दो जीरो है तो दो अंक बाद दशमलव लगा दो, बस इतना उत्तर आ जाएगा। ये 16.7, 16 पॉइंट क्या दिया है, एक सेकेंड, ठीक है ना, 16 से इसमें गुणा करना है तो 16,47.4 ये उत्तर आ जाए। देखो 100 का गुणा ऐसे गुणा करोगे तो बड़ा होगा, आपको करना है दो जीरो लगाए तो दो अंक बाद दशमलव लगा दो यहां पे, तो 472 अंक हुआ, इसके बाद दशमलव लगा के यही उत्तर हो गया। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, ए प्लस बी माइनस और प्लस ए प्लस और ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। अगला सवाल कीजिएगा। एक सेकेंड कहां गया, ये सवाल कीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है, कीजिए। पचास लीटर के एक मिश्रण में, एक मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात 3:2 है। ये देखिए शराब और सोडा का अनुपात क्या है, 3:2, 3:2 मतलब दोनों का 5, और कितना लीटर है, 50 लीटर के अनुपात में, तो पहले तो निकाल लो दोनों का है अलग अलग कितना है, तो इसका 3 है, 3/3 टोटल 5 है, गुणे में 50, 5 × 50 10 × 30। दूसरा क्या है, 2 है तो 2/2 टोटल है 5 गुणे में 50 बराबर 5 × 50, दूसरा आ गया 20। 50 लीटर में एक 30 है और एक 20 है, एक 30 है और 20, इसमें कह क्या रहा है, 6:7 का अनुपात बनाने के लिए, 6:7 का अनुपात बनाने के लिए आपको कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए, तो ये तो आ गया था सोडा, और दूसरा क्या आया था शराब। अब देखिए 30/20 आ गया आपका, कह क्या रहा है इसमें कितना सोडा मिलाना चाहिए कि
कि हमारा अनुपात कितना हो जाए, 6:7 हो जाए। तिरछा गुणा होगा क्या 7 कई 210 हो जाएगा, 7 × 30 में होगा बराबर 20 × 120 प्लस 6x। ये बताइए 210, ये इधर माइनस आएगा 120 हो जाएगा बराबर 6x है। 210 में से 120 घटा दोगे आप तो 100 तो डायरेक्ट घट गया, ये आएगा करीब 90। देखिए 210 में से भैया और 120 घटा दोगे 0 से 0 और 21 में से 12 जाएगा, 9 आएगा ना, तो यही 90 तो बता रहे थे हम, तो 90 बराबर 6x, इसको काट दो कितना आएगा x बराबर 15 आ गया, 15 × 90 x बराबर 15 आ गया। समझ में आया आपका क्या आया, x बराबर 15 आ गया, ठीक है ना। आपको मिलाना कितना होगा 15 लीटर, ठीक है ना, 15 लीटर आपको सोडा कितना मिलाना है 15 लीटर। 50 लीटर के अनुपात में शराब और सोडा का अनुपात 3:2 था, 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए, आपने किया 3:2 मतलब टोटल 3 × 2 = 5 था। पहले आपने शराब का अनुपात निकाला 3/5 × 50 = 30 लीटर सोडा शराब, 2/5 × 50 20 लीटर सोडा था। आपने कहा 30/20, अब इसमें कितना सोडा, इस सोडे में कितना सोडा मिला दिया जाए, नहीं पता है तो एक्स मान लीजिए कि 6/7 अनुपात हो जाए। यही हल करके उत्तर लाया गया आपका, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ये तो सिंपल रीजनिंग। देखिए सवाल क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों के बीच कौन सी भिन्न सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। देखिए कौन सी भिन्न सबसे बड़ा है, इसमें देखने में सबसे बड़ा क्या लग रहा है, ये लग रहा है क्या 48/50, देखने में बड़ा लगा, सबसे बड़ी भिन्न यही है, सबसे बड़ी भिन्न यही है, ठीक है ना। 48/50 दिया है तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी यही है। हाँ जी चलें अगले सवाल की तरफ, किसी बच्चे कोई समस्या, चलिए ये सवाल कीजिए आप, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। सेब संतरे और आम युक्त 300 फलों की एक टोकरी में 40% फल संतरे हैं, 25% फल आम हैं और शेष सेब हैं। यदि एक फल टोकरी से लिया जाता है, संभावना ज्ञात करें चयनित फल एक सेब हो, जल्दी से संभावना ज्ञात करनी है आपको कि चयनित फल एक सेब हो, संभावना। देखिए टोटल कितने थे, टोटल 300 थे आपके पास, इसमें क्या किया गया 40% फल, 300 का 40% जो था 40% काटा, 2 × 0 = 40 × 3 = 120, मतलब इसका 40% मतलब 120 फल कितना था, क्या था फल संतरा था। दूसरा कह रहा है 25% फल आम है, 300 का 25% तो होगा क्या 75 आएगा, निकाल के देख लो, 100 काट दिया 75, ये 75 क्या है आम है और शेष सेब हैं। ये बताइए कितना बचा, 120 और 75 कितना होगा, 120 और 75 कितना 295 होगा, बचा कितना टोटल फल 300 में से अगर 195 घटा दोगे 105 फल बचा है, टोटल 105 फल जो सेब है, टोटल सेब 105 बचा, तो 105 और टोटल कितना था 300, इतना ही था तो देखो क्या कह रहा है, शेष सेब है तो 105 सेब है, सेब में 300 में संख्या बता क्या कितने आ सकते हैं, 5 से काटा तो 35 आया और 5 से काटा तो 60 आया, 5 से काटा 5 × 7 = 35, 5 से काटा तो 12 × 5 = 60, 7/12 क्या संभावना है फल से, वो उत्तर क्या आया 7/12, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जल्दी से नोट कीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल अच्छे से करते रहिए आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल में कहा गया आपसे
17 पारियों के एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 है, ठीक है ना। 17 पारी में, पहले तो ये देखिए 17 पारी में 34 के हिसाब से रन बनाया, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद क्या आया, 34 का आया, 17 गोले 34 करोगे करीब 578 आएगा, ठीक है। उसके बाद कहा है कि पांच रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे, पांच के हिसाब से उसे अगली रन बढ़ाना है, अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे, जल्दी से निकालिए, तुरंत बताइए कितना होगा। ये 578 आएगा, अगली पारी में कुछ नहीं पता है तो एक्स मान लो, एक्स के हिसाब से बढ़ाएगा, जल्दी से कीजिए। लेकिन चलिए देखिए, अपनी पारियों में कितने रन बढ़ाना होगा, जल्दी से करिए भैया, सवाल बहुत अच्छा है, तुरंत कीजिएगा। बताया जाए, देखिए पहला तो आपको देखिए ध्यान से, 578 आपके पास आया, अगली पारी में उसे कुछ रन बढ़ाना है जिससे उसका औसत क्या है थोड़ा ज्यादा हो जाए। तो इसी 578 में, 578 में कुछ रन के हिसाब से बढ़ाना है जिसके उसका अगली पारी पहले 17 पारी था तो अगली पारी कितनी हो जाएगी 18, यही तो कहा आपसे, जिससे उसके रनों का औसत क्या बताया है, उसके रनों का औसत 34 से बढ़ाना कितना है, 5 ही तो बढ़ाना था, 34 से 5 बढ़ाना था, ध्यान दीजिएगा 34 से कितना बढ़ाना था, 5 बढ़ाना था। तो ये 34 और 5 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, और 37 का गुणा किसमें होगा, तिरछा 18, तो 37 का गुणा 18 में आप करते हैं तो 8 सते 56 के 6, 8 त्रिक 24 और 24 और 5 29 आएगा, और 1 सते 7, 1 त्रियाई 3, 6 9 7 16 के 6 हासिल 1 और 3 2 5 1, 3 2 5 और 1 हासिल 6, 666 आया आपके पास, ठीक है ना। 666 बराबर 578 प्लस में x आएगा, तो x बराबर 666 में से 578 घटा दीजिए आप, 578 घटा दीजिए, 666 में से आता 578 आप घटाते हैं, 16 आएगा, 16 में से हट गया 8, यहां बचा 15, 15 में से 7 गया 8, और ये बताइए 578 है, यहां बचा 5, 5 में से 5 गया 0, तो क्या आया, x बराबर 88 आया। अभी यहाँ पे x बराबर कितना आया भैया, 88 आया, जल्दी से निकालिए फिर आगे बताते थोड़ा सा, ठीक है। 578 x प्लस x बराबर कितना, 37 गुणे 18, 8 सते 56, देखिए कहीं कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 8 सते 56 के हासिल 5, 6 और 8 एक 24, 24 5 29 होता है, 1 सते 7, 1 तिहाई में 3, 6 9 7 16 के 6 हासिल आया, 1 3 2 5 1 6, ठीक है, जल्दी से कीजिए। अगले सवाल की तरफ देखिए बढ़ते हैं, ये सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग कीजिएगा जल्दी से, सचिन 80 दिनों में एक काम को कर सकता है, करिए कीजिए सवाल को, एक सवाल ड्रॉप हो गया, चलिए ये कीजिए पहले, सचिन 80 दिनों में एक काम को कर सकता है, ठीक है ना, वो 10 दिनों के लिए उस काम को करता है, सचिन एक काम को कितने दिनों में करता है, 80 दिनों में करता है, वो उस काम को 10 दिनों के लिए करता है, तो 10/80 हो जाएगा, कट गया 1/8 आया, ठीक है 1/8 आया। अब क्या उसने उसके बाद सौरभ अकेले 42 दिनों में ही शेष काम खत्म करता है, कितने दिन में सचिन और सौरभ एक साथ काम को खत्म कर सकते हैं, जल्दी कीजिए, कितने दिन में कर सकते हैं शेष काम, कितना बचा भाई, जब ये बताइए 1/8 काम हो गया तो शेष काम बचा कितना, 7/8, कैसे, एक में से 1/8 घटा दोगे, 8 एक कम 8 एक 7/8 शेष काम बचा। अब शेष काम ये बचा है आपके पास 7/8, शेष काम सौरभ 42 दिन में करता है, मतलब 7/8 काम जो था सौरभ कितने दिन में करता है, 42 दिन में करता है, ठीक है ना, 42 दिन में करता है शेष काम सौरभ जो है 42 दिन में करता है, तो करेगा कितने दिन में, देखिए बराबर 42 ही कूड़ा तिरछा हो जाएगा, 8/7, 7 6 42,
कितना 8 6 48 दिन आया। आप सब कह रहा है बैलेंस कितने दिन में सचिन और सौरभ, कितने दिन में सचिन और सौरभ उस काम को करेंगे, कितने दिन में सचिन और सौरभ उस काम को करेंगे। एक तो आया था आपके पास 80 दिन, ठीक है ना, दोनों का मिला के पूछ रहा कितने दिन में करेंगे, तो 1/80 और दूसरा क्या आया 1/48, इन्हीं को दोनों को काम कराना था। 80 और 48 का एलसीएम जल्दी से आप लीजिए, 80 × 48, देखिए एलसीएम ले लीजिए, नहीं पता जल्दी से करने के लिए क्या करना होता है आप ध्यान दीजिएगा, 80 × 48 यहां लिख लीजिए, यही तो इसका एलसीएम होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 × 80 × 48 बचा, प्लस 48 × 48 = 80 बचा, तो 80 + 48, ठीक है ना, 80 + 48 कितना होगा 128 बटे में कितना भैया 80 × 48, ये आपका आएगा, ठीक है ना। अब शेष काम पूछा है कितने दिनों में खत्म करता है, तो 128 80 और काट दोगे कितना, ये लगभग कट के 30 दिन आएगा। बात समझ में आई, फिर से देखिएगा, वो 80 दिन में काम कर रहा था, ठीक है ना, तो 10 दिनों के लिए काम करता है, काम कितना करेगा 1/8 काम, शेष काम कितना हुआ है 7/8 काम शेष बचा है, 7/8 काम 42 दिन में करता है, तो 42 × 8/7 आपने किया 48 दिन आ गया। अब 80 दिन और 48 दिन दोनों काम मिलके कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा था, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ट्रेन ए और बी, ट्रेन ए और बी क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की विपरीत दिशाओं में आगे बढ़, जब देखे जब चाल विपरीत दिशाओं में होती है, जब चाल विपरीत दिशाओं में होती है तो क्या होती है, जुड़ जाती, दूरियां बढ़ती हैं। एक की चाल है 1.2 और एक की है 0.2 किलोमीटर, ठीक है ना, तो दोनों को लंबाई को जोड़ लो, लंबाइयां दोनों क्या होती है हमेशा जुड़ जाती है, 1.20 + 0.80 इसको जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2/2 कितना, दोनों दूरी चालों को जोड़ोगे कितना आएगी चाल, क्योंकि चाल बराबर होता क्या है दूरी बटे में समय, तो 2/2 कितना आएगा 150, क्योंकि 8 7 15 80 ये था और दूसरा 70 है। देखिए इसका सबका मेथड बताएंगे, लेकिन अभी क्या है भैया ये आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ये बताया जा रहा है कि ये प्रैक्टिस है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें अगर हम आपको मेथड हर चैप्टर का बताएंगे तब आपका समय ज्यादा लगेगा। गुड़े 1 घंटे में, देखो समय सेकंड में पूछा है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, ठीक है ना, ये काट दीजिए ऐसे और 15 से काट दीजिए, 15 × 30 ठीक है ना, 15 × 30 6 × 15 = 60, 24 × 48 सेकंड समय आएगा आपका, 48 सेकंड आपका क्या आया समय आया, 48 सेकंड आपका समय आया, जल्दी से कीजिए, हो गया। चलें, सवाल भले बड़ा है लेकिन लगेगा आसान, ठीक है, सवाल को देखते रहिए बस। देखिए अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये तो हो गया, ये वाला करिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, बोर्ड का है, 84² / 28, 84² ये बताइए, 84² का मतलब क्या होता है, 84 × 84, 84 का 2 बार गुणा, 84 × 84 बटे भागे क्या है 28 × 12, यही तो दिया है, फिर क्या है भागे 12, फिर भागे 24 दिया है, फिर भागे 24 भी कर दो, करके जल्दी बताइए भाई, भागे 24 का है, 24 करके आगे बढ़िए, सवाल लगाइए जल्दी से, इसको ऐसे कर लो ना, और गुड़े में 1/2 भाई 24 अगर भाग है तो भाग नीचे है, गुड़े 1/2 गुड़ा कर दो, 1/24 कर दो, भाग को ऐसे चेंज कर लिया करो, तुरंत कीजिए जल्दी से, 28 से कटेगा क्या, देखो 28 से कटेगा 84 क्यों, 3 बार 20 + 8 + 8 = 24 तीन बार जाएगा ये कटा, जल्दी कीजिए, कोई समस्या होगी तो बताइएगा तुरंत, सवाल करने में फटाक से कीजिए बस, केवल ये देखो बराबर ही और भी दिया है यहाँ पे, 7 × क्या होगा ये पूछा है, 7 × में क्या आएगा, जल्दी से करिए, आपके पास देखिए आया क्या,
84 बचा क्या, 84 गुणे में 3 गुणे में 12 बटे में 24, ये बचा आपके पास 12 दूना 24, 2 से काटा कितना आया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 गुणे 3 बराबर 7 गुणे में ये। अब ये बताइए 7 छंग 42 होगा कि नहीं होगा, ये छाएगा, क्या आया आपके पास 18, 6 और 3 का 18 बराबर 18, इसका मतलब मान क्या आया 18, यही आपका क्या हो गया उत्तर। करिए जल्दी से, केवल कैलकुलेशन बेस्ड था सवाल और कुछ नहीं था, हो गया। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है, कोई संख्या मान लीजिए आप, कोई संख्या का 40% 40/100, ठीक है ना, यही कहा है कि 650 के 20% से 190 अधिक है, 650 के 20, देखो 650 के 20% 20/100 से 190 अधिक है, यही तो कहा है। तो करना क्या है, एक जीरो उड़ा दो, ऐसे उड़ाते हो ना, उड़ा के देखो भी बताते हैं गलत है फिर, करिए जल्दी से, ठीक है ना, हो गया। जल्दी करो बच, देखिए क्या आया आपके पास 40x/100 हो गया होगा, आप एक बार बता दें मिला ले, 65 दूना कितना होता है 130 और 190 कितना होगा, 130 और 190 जल्दी, 130 और 190 कितना हुआ 320, देखो 190 130 ठीक है बराबर 320 हुआ भैया, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 4 8 32 80, 80 गुणे में 10 बराबर 800, ये उत्तर आएगा, ठीक है। करिए सवाल को, आगे बढ़ते हैं, सवाल कीजिए, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ये सवाल, ठीक है। ये सवाल है, एक मिनट, ये तो रीजनिंग का सवाल है, कीजिए सवाल को। यदि फरवरी 2016 में एक सौरगाह के भरे कमरे रहते हैं, शेरगाह के न्यूनतम लाभ कितना है, ये सवाल ये कीजिए, वो तो रीजनिंग का था, ये सवाल कीजिए आप लोग फटाक से सवाल, एक सेकेंड कीजिए सवाल। द्रविड़ द्वारा उधार दी गई राशि 2 साल के लिए साधारण ब्याज 650 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, जल्दी से कीजिए सवाल भैया, द्रविड़ सवाल कहीं लगता है थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है, एक मिनट हम बताते हैं सवाल को, जल्दी से करें। यह है 696.30 चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 696.30, इनका अंतर दिया है 696.30, ठीक है ना। अब पूछा है उसे सवाल को, जल्दी बताएं, अब सवाल को पूछा है उसने, ठीक ना, ब्याज की दर बताएं, द्रविड़ द्वारा उधार दी गई राशि पर 2 साल के लिए साधारण ब्याज 660 रुपए है और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 रुपए है, तो ब्याज की दर पूछ रहा है, जल्दी से करिए, ब्याज की दर पूछ रहा है, कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला होता है इसका, CP-SP/SP/100, इसी पे लगा दीजिए तुरंत आ जाएगा, CP-SP/100 आर, ठीक है, करिए जल्दी से, यहां समय गुड़े टी गुड़े होता है, तो अब आप आर बराबर, फिर हो गया, समय कितना दिया गया है 2 वर्ष, सीपी कितना दिया गया है 696.30 माइनस 660, ठीक है ना, बटे में सीपी कितना है 660, करिए भाई जल्दी से, अब तो आ गया होगा, गुड़े में 100 कर दो यहां पे,
देखिए आर बराबर क्या आया, 200, 696 में से अगर 660 घटाते हो तो कितना आएगा, 36.30 बटे में 660 गुणे में 100, क्या यही बचेगा, यही बचेगा, एक जीरो यहां से एक जीरो कट जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसको जल्दी से सॉल्व करो, क्या आएगा आर बराबर, आर बराबर जल्दी से बताएं, आर बराबर क्या आएगा भैया, डायरेक्ट 11%, ठीक है ना, ये कट जाएगा, काट के देखो दो से ये भी कटेगा, दो से काट सकते हो 66 को, ये आएगा 33, ठीक ना, इधर 10 है, इस गुणा होगा पॉइंट इधर चला जाएगा, 363 भागे करोगे 11% कुल आएगा। समझ में आ रहा है सवाल को, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। रवि एक साइकिल कीजिए, सवाल को कीजिए रवि जी आगे। रवि एक साइकिल 22 किलोमीटर प्रति घंटा से स्थान ए से बी की स्थान की दूरी तय करता है, हालांकि वह बी स्थान से ए स्थान की दूरी पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की तय करता है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है। मन लगा के पढ़ो, बहुत मजा आने वाला है, आप लोगों को नौकरी लग जाएगी, लेकिन मन लगा के पढ़ो भैया, जल्दी से मन लगा के पढ़िए, सवाल कीजिए। ये बताइए रवि जी थे, रवि साहब ठीक है ना, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए और हालांकि दूरी पैदल तय करता है, पैदल कितने 7 किलोमीटर प्रति दूरी, किलोमीटर की चाल से दूरी के पैदल तय करता है, औसत गति, औसत गति पहले आपको निकालना है, तो औसत गति कितनी होगी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय हुआ आपका ना, कुल दूरी कितनी है इसकी, कुल दूरी उन्होंने तय की है भाई, देखो पता तो है नहीं, एक्स गए थे तो एक्स आए तो कितनी दूरी हो गई, 2x, ठीक है ना, एक्स गए और एक्स आए नहीं पता है तो 2x हो गया, एक्स बटे में समय कितना लगा था, 22 प्लस एक्स बटे में 7, ठीक है। अब ये बताइए 2x था, ये 22 ऊपर जाएगा गुणे में 22 और ये 7 भी ऊपर जाएगा कूद के गुणे में 7 बटे एक्स प्लस एक्स, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 7x 7 + 22 आएगा। देखिए एलसीएम लेना तो आपको आता है ना, अगर आप इसका एलसीएम लेते भैया तो 22 गुणे में 7 एलसीएम होता तो 22 से 22 करता 7x बचता, प्लस 7 से 7 करता 22x बचता, यही तो बचेगा, इतना तो थोड़ा सा जल्दी से कर लिया करो आप लोग, थोड़ा सा भी हमारा भी समय बचा दिया करो आप लोग, ठीक है। चले तो नीचे क्या बचा, 7x + 22, तो इसमें कुछ कटेगा भी, जल्दी ये बताइए 7 + 22 नीचे बचा है, 7 + 22 नीचे बचा है कितना, 7 + 22 ये कितना, 22 × 44x हो जाएगा, 44x गुणे में 7, 22 × 44x गुणे में 7 बटे 7 + 22 यही तो है उत्तर, दो कितना आएगा काटो जल्दी से, 10.6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 10.6 किलोमीटर पर आवर आएगा भैया, 10.6 किलोमीटर पर आवर आएगा, ये जल्दी से करें सवाल को, आगे बढ़ते हैं, फिर यहां से इतना गुणा कर लिया करो जल्दी से फटाक से, ये सवाल थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है, बताइएगा आगे बढ़ना होगा तो अगला सवाल कराते हैं। देखिए यदि 14 सवाल दिया गया है, यदि 14.28 भागे 1073 बराबर 136 हो, ठीक है ना, 136 हो तो 14.59 भाग 5928 भागे 107.3 कितना होगा, जल्दी से कीजिए। देखो है दोनों चीजें एक ही, यहां 14.59 14.59, यहां दो अंक बाद दशमलव, यहां दो अंक पहले दशमलव, यहां 1073 से भाग देना है, यहां 107.3 से भाग देना है, जल्दी से बताइए, ठीक है ना। अब ये बताइए यहां दशमलव एक अंक पहले लगा है, दो अंक पहले लगा है, यहां दशमलव दो अंक बाद लगा, यहां दो अंक पे लगा, यहां दो अंक बाद लगा है, 136 आया, यहां क्या करना है ये बताइए, यहां दशमलव ये सब कुछ छोड़ दीजिए, यहां दशमलव दो अंक पे, यहां दशमलव तीन अंक पे है ना, उत्तर क्या है था 13.6 सॉरी 136 आया था, 136 आया है, अब दशमलव में कितने अंक का अंतर है, एक अंक का अंतर है, तो एक अंक पहले दशमलव लगा दो वही उत्तर हो जाएगा 13.6, क्योंकि 13.6 यहां पे आपका
दिया था। समझ में आया? ठीक है, चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।